वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। यहाँ नरोरा में गंगा के निकट गांधी घाट पर सड़क किनारे सो रहे 7 श्रद्धालु को बस ने कुचल दिया। इनकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिला और 3 बच्चियां हैं। मरने वाले श्रद्धालु वैष्णो देवी की यात्रा कर अपने घर हाथरस जनपद लौट रहे थे। हाथरस के थाना चंदपा के गांव मोहनपुरा से 3 अक्टूबर को एक बस में सवार होकर 56 यात्री वैष्णो देवी की यात्रा करने गए थे। इसमें मोहनपुरा के निवासियों के कुछ रिश्तेदार भी थे। गुरुवार की रात हरिद्वार से चलकर तीर्थ यात्रियों की बस नरोरा में गांधी घाट पर पहुंची। रात अधिक होने के कारण आगरा मुरादाबाद हाईवे के निकट नरोरा में गांधी घाट पर शमशान की ओर जाने वाले खंजा पर बस खड़ी करके कुछ यात्री खंजा पर सो गए। अल सुबह एक अन्य बस ने सड़क पर सोते 7 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इन सभी की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी अन्य श्रद्धालुओं को जानकारी हुई तो कोहराम मच गया। घटना की सूचना पाकर थाना पुलिस सीओ जीबाई विक्रम सिंह, एसडीएम जीबाई संजय कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे। मृतकों के परिजनों ने विलाप शुरू कर दिया। मृतकों के अन्य परिजनों को गांव में पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई है। सीओ विक्रम सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर मिलने का रिपोर्ट दर्ज कार्यवाही की जाएगी। पूरे मामले की गहराई से जाँच की जाएगी। जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, इसकी जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ की वजह एक ये है कि यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, और दूसरा यहाँ का जो ठेका उठा हुआ है, सिंचाई विभाग ने का ठेका है, तो ना तो उन्होंने लाइट की व्यवस्था की है, ना किसी पार्किंग की व्यवस्था की है, और जो रोड पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं उनसे भी वो लोग वसूल करते हैं। इस तरह का मामला सामने है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन परिवार के लोगों का देहांत हुआ है उनकी सहानुभूति है, और इसमें जो भी कमियाँ आप लोग प्रकाशन ला रहे हैं उसमें जांच करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी पूरा जिला प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है। जिलाधिकारी कप्तान साहब हैं, हमारे जिलाधिकारी हैं, पुलिस बल है, और वहाँ के लोग आ रहे हैं। एम्बुलेंस से बॉडी को ले जाया जाएगा। जो कमियाँ हैं उसके बारे में जाँच करके हम जल्दी से कार्रवाई। सर, इस पे कुछ होना चाहिए। जिस तरह से लोगों को रोड पे जो यात्री लोग बाहर से आते हैं हारे थके, रोड पे सो जाते हैं, इनके लिए कुछ व्यवस्था अगर हो सरकार की तरफ से, क्योंकि ये कुछ समय का मेला होता है, करीब 15 से 20 दिन का। नहीं, रोड पे तो नहीं सोना चाहिए, परंतु जो कमियाँ हैं जैसे प्रकाश की व्यवस्था है एवं अन्य जो भी व्यवस्था हो सकेगी, प्रशासन सब पहला स्टेप हमारा होगा कि जांच करके जिन लोगों का इग्नोरेंस है उस पर कार्रवाई करना, बाकी उनके रुकने का जो यात्रियों के रुकने के संबंध में आवश्यकता अनुसार व्यवस्था। सुबह लगभग 2:30 बजे के लगभग एक बस यात्रियों के ऊपर चढ़ गई, और क्या कारण है? ये आप देख रहे होंगे, एक दुखद दुर्घटना हुई है नरोड़ा थाना क्षेत्र में, और इसमें एक तीर्थ यात्रियों की बस, जिसमें ज़्यादातर लोग हाथरस के रहने वाले थे, ये वैष्णो देवी से वापस आए थे। 2 बजे के आसपास बस आई थी। बस आने के बाद लोग उतर के इधर उधर चले गए। उस बस के लगभग 7 पैसेंजर, जिसमें 4 महिलाएं और 3 बच्चे थे, वो बस के आगे थोड़ी दूरी पे जो शमशान घाट जाने वाला रास्ता था, मेन रोड से हट करके, उस पर सो गए थे। लगभग सुबह 4:15 के आसपास एक दूसरी तीर्थ यात्रियों की बस आई, जिसने आकर के उस शमशान घाट वाले रास्ते की ओर जब टर्न करने का प्रयास किया तो उसे संभवतः दिखाई नहीं पड़ा होगा, क्योंकि पहली वाली बस उस टी के पास खड़ी हुई थी। तो ये चारों लोग, 7 लोग जो वहाँ सोए हुए थे, उस बस के चपेट में आ गए, कुचल गए, जिससे बस चालक जो है वो अभी गिरफ्तार। हाँ, बस चालक की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बस जो है वो बरामद कर ली गई है, उसे थाने में पेश किया गया है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि लाइट की और कई प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं, जबकि पार्किंग का टैक्स उगाया जाता है लोगों से, और बसें रोड पर भी खड़ी रहती है, उसके बाद भी पैसा वसूला जाता है ठेकेदार द्वारा, जबकि कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग नहीं है। सर, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? अब निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर हम जिलाधिकारी जी से बात करेंगे, जो संबंधित विभाग हैं उनके दायित्व फिक्स किए जाएंगे। कम से कम यहाँ प्रकाश आ लाइट की बिल्कुल भी कोई व्यवस्था थी जो भी बल्ब की बताया कि वो जैसे हमने सोटा दिया है? नहीं, वो जिलाधिकारी जी से बात करके फिलहाल वो व्यवस्थाएं कराई जाएंगी, लेकिन अभी चूंकि एक बड़ी प्रकाश की अगर समुचित व्यवस्था होती तो शायद हम लोग देखेंगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। जो भी जरूरी उपाय है उसे। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।